हृदय नारायण दीक्षित को उत्तर प्रदेश विधानसभा का स्पीकर चुना गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में पहला भाषण दिया। मुख्यमंत्री ने सदन में विपक्ष को साथ लेकर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष मजबूत स्तंभ होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 करोड़ लोगों को सोचकर कोई भी फैसला लूंगा। अध्यक्ष के रूप में पाठक के हम सब आश्वस्त हैं कि आपके संरक्षण में इस सदन का प्रत्येक सदस्य और खासतौर पर जो हमारे चुने गए नए सदस्य हैं, एक बड़ी संख्या में हमारे सदन में नए सदस्य आए हैं जिनकी संख्या 253 के आसपास है। इन नए सदस्यों को भी सदन में अपनी प्रतिभा का को रखने और साथ साथ हमारे वरिष्ठ सदस्यों के अनुभव का लाभ प्रदेश की 22 करोड़ जनता को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि यह अवसर आपके माध्यम से इस सदन के माध्यम से बिना किसी लॉन्ग लपेट के बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। अध्यक्ष जी, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जन जागरण, लेखन, पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि, आप समता आंदोलन के संस्थापक रहे हैं, विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के अगुवा भी रहे हैं, आपने अनेक बार जनता के हितों के लिए संघर्ष किया है जिसके कारण आपको जनहित से जुड़े हुए उन मुद्दों को लेकर के जेल के अंदर भी जाना पड़ा है। एक लेखक के रूप में आपका संसदीय ज्ञान, संवैधानिक ज्ञान, धर्म एवं दर्शन के प्रति आपकी रुचि सहित जनमानस से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर आपकी लेखनी ने समाज का जो मार्गदर्शन किया है, निश्चित ही सदन उससे लाभान्वित होगा। आपके इन विषयों पर 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें सामने आई हैं। आपका स्तंभ लेखन विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में ये समाज के न केवल प्रबुद्ध जनों को बल्कि वर्तमान पीढ़ी का भी मार्गदर्शन करता है। कहीं भी जब आप चलते हैं जाते हैं लोग इस बात को अवश्य चर्चा करते हैं, आपका आलेख पढ़ करके, आपकी पुस्तकों को देख करके इस बात को अनुभव करते हैं कि क्या हृदय नारायण दीक्षित यही है। लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होती है और मैं मानता हूं लेखन का कार्य और सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए लेखन एक अत्यंत दुरूह कार्य हो जाता है, लेकिन उस सब के बावजूद सार्वजनिक जीवन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े होने के बावजूद लेखन के प्रति आपकी रुचि उत्तर प्रदेश में नकल के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। 54 सेंटर की परीक्षाएं रद्द करने का आदेश गया है जबकि 57 परीक्षा केंद्रों पर रोक लगा दी गई है। 327 केंद्र व्यवस्थापक, 178 कक्ष निरीक्षक और 70 छात्रों पर FIR दर्ज हुई है। 600 कक्ष निरीक्षक बदले गए हैं। इसके अलावा 7 जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। पिछले कई दिनों से यूपी के अलग अलग इलाकों से खुलेआम नकल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कल ही सरकार ने नकल के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर 0522-2236760 भी जारी किया था। इसके अलावा शिकायत के लिए एक व्हाट्सएप नंबर 9454457241 भी जारी किया गया है। यूपी के अमरोहा में एक चिंगारी से भारी तबाही देखने को मिली है। चूल्हे से निकली चिंगारी से पूरे गांव में आग लग गई। कई घर आग की चपेट में आ गए। घरेलू जरूरत के सामान, कैश सब जलकर खाक हो गए। लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई लेकिन 25 पशुओं की आग में जलकर मौत हो गई। घटना अमरोहा की हसनपुर तहसील इलाके के सतेड़ा की है। हादसा उस वक्त हुआ जब गांव की एक महिला चूल्हे पर खाना बना रही थी और इसी दौरान एक चिंगारी पड़ोस के घर की छत पर जा गिरी। अचानक तेजी से आग फैल गई। धीरे धीरे आग ने 58 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। काफी देर बाद आग पर काबू पाया जा सका। एक
अनु जनानी और आलू उबाल रही थी बर्थ के लिए, तो वहीं से जो है आँच चल पड़ी चूल्हे से और जो आँच सगरे में फैल गई, जैसा छप्पड़ पकड़ लिया सब ढोर और सब नष्ट हो गया, जल गया, कुछ नहीं बचा जी। इंजन मशीन सब ट्रैक्टर वगैरह जो भी बढ़िया में सामान हो वो सब जलकर आग हो गया, कुछ नहीं बचा बिल्कुल। और जो है जो भी इंजन मशीन जो भी सामान है जो भी सामान खाने का या पहनने का जो भी सामान है कुछ नहीं बचा। कि लगभग 59 परिवार वहाँ पे परिवारों के घर जल गए और 25 जानवर जलकर भस्म हो गए। हमने उनके लिए खाने पीने की सब व्यवस्था करा दी है और राशन सप्लाई विभाग से भी हमने उनको परिवार के हिसाब से उनको बोल दिया है और उनके आज कंबल और जो आवश्यक वस्तु सामग्री है उनको वितरित करा दी जाएगी। और जो जानवर मरे थे रात ही हमने जैसे खुलवा के जिससे बीमारी ना हो उनको हमने 5 फीट से ज़्यादा गहरा खड्डा खोद कर उनको उसमें दफन करा दिया है। लगभग देखिए मुझे लगता है कि 60 परिवार हैं तो मोर देन करोड़ रुपये का नुकसान होने की संभावना है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में केन्या की छात्रा से मारपीट के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने दावा किया है कि लड़की ने मारपीट का जो आरोप लगाया था वो फर्जी था। अफ्रीकी नागरिकों पर नस्लीय हमलों को लेकर नोएडा एसएसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केन्या की लड़की का अपने ही दोस्त से झगड़ा हुआ था, ये नस्लीय हमला नहीं है। नोएडा के एसएसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि केन्या की जिस छात्रा ने हमले की बात कही वो सच नजर नहीं आती है। उन्होंने कहा कि कैब में जीपीएस लगा हुआ था और जाँच के बाद ये पता चला कि इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है। ये अभी चार्ल्स कैवेटी जी का अभी शायद कुछ देर बाद हो सकता है वो हमें ज्वाइन भी करें, हमने उन्हें कहा भी आप भी आ जाएं, तो उन्होंने कहा है कि लड़की झूठ बोल रही है साफ। उन्होंने अभी मुझे कुछ ही मिनट पहले व्हाट्सएप भी किया है, हो सकता है थोड़ी देर में वो यहाँ आ भी जाएं, हमने रिक्वेस्ट भी किया है आप भी अपना वर्जन यहाँ के रख दें। तो ये पूरी तरह से हो सकता है उनकी फ्रेंड्स या वो अपसेट रही हों या कुछ मेंटल थोड़ा सा उनको स्ट्रेस रहा हो, उन्होंने ये देख करके कि क्योंकि झगड़ा हुआ है इधर इस चीज़ को इधर डाइवर्ट कर दिया। लेकिन ये लगभग स्पष्ट है कि किसी प्रकार कोई लोकल व्यक्ति ने उस दिन कोई भी मारपीट नहीं की थी। यूपी के महोबा में ट्रेन हादसे में 52 लोगों के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने 2 गंभीर रूप से घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद दी जबकि 44 लोगों को 50,000 रुपए का चेक दिया है। आपको बताएं महोबा के पास कुलपहाड़ में रात 2:15 के आसपास महाकौशल एक्सप्रेस के 8 डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 52 लोगों के जख्मी होने की खबर है। ट्रेन जबलपुर से दिल्ली जा रही थी। हादसे की वजह क्या रही ये अभी तक साफ नहीं है। हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आज लगभग 2:20 पर अर्ली मॉर्निंग कुलपहाड़ क्षेत्र जो महोबा जिले में पड़ता है उसमें एक ट्रेन जो महाकौशल ट्रेन जो जबलपुर से निजामुद्दीन जा रही थी उसके कुछ डिब्बे जिसमें 7 डिब्बे कम्प्लीटली और एक 8वां डिब्बा जो पूरी तरह से तो नहीं परंतु वो भी डिरेल हुआ है, उसमें 52 लोग इंजर्ड हुए जिसमें 2 को फ्रैक्चर हैं, जिनको फ्रैक्चर है उनको झांसी रेफर किया गया है। तत्काल सूचना मिलने पर यूपी 100 की गाड़ियां मौके पर पहुंची, 108 एम्बुलेंस गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने तत्काल रेस्क्यू वर्क शुरू किया। लोकल पुलिस सीनियर अधिकारी DIG MM कमिश्नर चित्रकूट मौके पर पहुंचे और उनकी अपनी देखरेख में सारा रेस्क्यू वर्क किया गया। अभी तक की जो प्रेमाफसाई जांच हुई है उसके तहत कोई भी ऐसी सस्पिशियस मैटर अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। देखिए एक दुर्घटना हुई है, दुर्घटना होने के तुरंत बाद पहला प्रयास होता है कि कैसे रेल लाइन फिर से चालू कर दी जाए, रिस्टोर हो जाए ट्रैफिक, और उससे भी पहले जो घायल हैं या जो इससे पीड़ित पक्ष है यात्रियों का उनकी कैसे देखभाल की जाए, इन दोनों पहलुओं पर रेल प्रशासन की तरफ से और जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की तरफ से बड़ी सार्थक पहल की गई है। जितने लोगों को छोटी मोटी चोट थी वो लोग तो खुद ही चले गए हैं। एक व्यक्ति जिनकी हड्डी में फ्रैक्चर था उनको झांसी हॉस्पिटल भेजा गया है और कुछ और लोग हैं 8-10 लोग जो कि बहुत कम इंजरी वाले हैं उनका इलाज होके वो भी मेरे ख्याल से चले जाएंगे। आज सुबह करीब 2 बजे के आसपास महाकौशल एक्सप्रेस जो
जबलपुर से निजामुद्दीन के लिए जा रही थी, उसके 8 डब्बे महोबा कुलपहाड़ स्टेशन के बीच में पटरी से उतर गए, जिसमें 4 एसी के थे और 1 स्लीपर कोच और 3 जनरल कोच थे। घटना की सूचना मिलते ही झांसी और लोकल ऑफिसर्स को रवाना कर दिया गया। सिविल पुलिस की मदद से, एम्बुलेंस की मदद से लोगों को जो है इसमें निकाला गया। और एक बात ये बताना चाहूँगा कि इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, कोई गंभीर रूप से घायल हैं, कोई डेथ नहीं हुई। जो भी लोग थे वो ट्रेवियल इंजरी के थे, उन्हें इलाज करा करके फर्स्ट एड दे करके छोड़ दिया गया है। महोबा में रेल हादसे से रेल प्रशासन ने कितना सबक लिया है, इसकी वानगी हापुड़ में देखने को मिली। यहां से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें यह दिख रहा है कि रेल पटरियों की कपलिंग टूटी हुई है, निकली हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कपलिंग गायब है। हैरानी की बात यह है कि मीडिया के कैमरे में तो ये कैद हो गया, लेकिन अधिकारियों को इसके बारे में खबर नहीं है। आरपीएफ जीआरपी तो करेगी सुरक्षा, तो वो पीडब्ल्यूआई बताएंगे, पीडब्ल्यूआई। एएन के पास, एएन सेकेंडरी ऑप्शन में आपका एसएससी जो है पीवे यहाँ बैठ के सामने प्लेटफॉर्म के नीचे उतरो, ऐसे जाओगे ना, ऑफ साइड में ही है उनका ऑफिस, बैठे हो या मतलब उस पर हो, लाइन पर हो, जैसे भी उन्हीं का है ये काम, ट्रैक की जो देखा वाली है वो सब उन्हीं की है। यूपी के इटावा में बीजेपी विधायक का बेटा सत्ता के नशे में चूर नजर आया। विधायक सावित्री कठेरिया का बेटा धर्मेंद्र अपने 3-4 साथियों के साथ बकेवर थाना पहुंच गया। वहां उसने थाना परिसर और थाने की कैंटीन की सफाई का जायजा लिया। इस दौरान धर्मेंद्र पुलिस वालों पर रौब दिखाता रहा। जब धर्मेंद्र से यह पूछा गया कि वो किसके आदेश पर चेकिंग कर रहा है, तो उसने सीएम और पीएम के नाम का इस्तेमाल किया। धर्मेंद्र एक चीज़ और बताऊँ, जैसे ये चेकिंग करने का, ये मतलब ये किसकी तरफ से आप कर रहे हैं चेकिंग? मोदी योगी जी की तरफ से। नहीं, उन्होंने कोई ऐसा आदेश जारी किया है क्या? उन्होंने कोई आदेश जारी किया है? योगी जी ने कहा है सफाई अभियान होना चाहिए प्रत्येक गांव में, खरंजे गली कूचे पूरी विधानसभा में सफाई अभियान। मोदी जी भी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, भारत स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आज से नहीं चल रहा, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने तब से स्वच्छता अभियान गली गली हर जगह चल रहा है। कि हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे थानों का या सीए कार्यालय में निरीक्षण करने का अधिकार ये मोदी जी की तरफ से, योगी जी की और सफाई अभियान चल रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। और नहीं, वो तो कर रहे हैं, नगर में कर रहे हैं, लोग घरों में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, उसमें सरकारी, उसमें बता रहा हूँ, ऑफिसों में, सरकारी कार्यालय, हाँ कार्यालयों में चल रहा है अभियान। शुक्र का दिन निश्चित कर दिया गया है। सफाई के बारे में विधायिका जी के जो मौजूदा विधायिका जी, उनके लड़के आए थे, सचिन लोग और आए थे, सफाई के बारे में पूछ रहे थे हो रही है, कहाँ हो रही है सफाई का भाई। उन्होंने चेक भी किया था क्या जाके? हाँ, भोजनालय वगैरह का चेक किया। यूपी की अखिलेश सरकार की 102 और 108 समाजवादी स्वास्थ्य सेवा में बड़ा घपला सामने आया है। मेरठ में 102 और 108 स्वास्थ्य सेवा की एम्बुलेंस बिना सड़क पर दौड़े 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी हाँ, सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवरों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से काफी समय से ये फर्जीवाड़ा हो रहा था। खास तरह की डिवाइस की मदद से इन एम्बुलेंस की फर्जी मीटर रीडिंग दिखाई जाती थी। और इतना ही नहीं, 102 और 108 समाजवादी एम्बुलेंस में काफ़ी समय से मरीजों की एंट्री में भी फर्जीवाड़ा हो रहा था। फर्जी मैसेज और कॉल्स के जरिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल दिखाया जा रहा था। मेरठ में 108 और 102 एम्बुलेंस में लगी आईडी में 246 एंट्री दिखाई गई, लेकिन सीएमओ की जांच में यह खुलासा हुआ कि सिर्फ 33 आईडी ही सही थी, यानी मरीजों को लाने और ले जाने की बाकी कॉल्स और एंट्री फर्जी थी। साल 2012 सितंबर में अखिलेश सरकार ने 108 समाजवादी स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की थी। जनवरी 2014 में 102 एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हुई थी। हमारे यहाँ एम्बुलेंस 108 जो है, इसकी जांच कराने में इन्होंने बताया कि 246 मरीज हमने इस पिछले महीने ट्रांसपोर्ट किए,
विक्टिम्स, यहाँ से चोट लगी हुई है बीमार जो है शहर में या कहीं भी ट्रांसपोर्ट करते हैं लाने ले जाने का काम, 246 बताया उसमें हमने अगर इनका सत्यापन कराया, ओनली 33 लोगों को स्लिप मिली हुई है, ओनली 33 को उनको इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है, बाकी सब फर्जी। कानपुर में विदेश में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कानपुर के सिविल लाइंस इलाके में सोफिया टेस्ट ट्रेड सेंटर वीजा कंसल्टेंट नाम से दफ्तर खोला हुआ था। बेरोजगार नौजवानों को बहलाकर जाल में फंसाया जाता था। यहां विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ये गिरोह दर्जनों बेरोजगारों से 10 से लेकर 15,000 रुपए तक ऐंठ चुका था। गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार हो चुका है, जबकि गिरोह का मास्टरमाइंड और दूसरे सदस्य भी फरार हैं। बिहार विधानसभा में बीजेपी नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। बीजेपी नेताओं ने 7वां वेतनमान लागू करने और होमगार्ड जवानों की समस्या को लेकर विधानसभा परिसर में हंगामा किया। बीजेपी नेताओं की मांग थी कि सरकार इन दोनों मुद्दों पर गंभीर रुख अपनाए। नेताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार की राजधानी पटना में चोरों का आतंक बदस्तूर जारी है। इस बार चोरों ने पटना पुलिस को खुली चुनौती देते हुए डीआईजी ट्रेनिंग विकास वैभव के घर में ही हाथ साफ कर दिया। बुधवार देर रात वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने घर को उस वक्त निशाने पर लिया जब घर में मौजूद सुरक्षा कर्मी सो रहे थे। चोर घर में रखे कई बैग ब्रीफकेस अपने साथ ले गए। कुछ दूर ले जाने के बाद बैग और ब्रीफकेस में रखे सामान वो अपने साथ ले गए। डीआईजी का घर शास्त्री नगर थाना के ठीक पीछे। हरिद्वार में सर्वानंद घाट के पास झोपड़ी में आग लग गई और देखते ही देखते आग बाकी झोपड़ियों में भी फैल गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना 100 नंबर पर दी गई, लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची समय से। बड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने यहां मोर्चा संभाला। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कई झोपड़ियां जलकर खाक हो चुकी थी। मध्य प्रदेश के राजनांदगांव जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी पाने की चाहत में कई युवा ठगी का शिकार हो गए। नौकरी नहीं मिलने के बाद मामला थाने तक पहुंचा और ठगी करने वाला सीआरपीएफ का ही रिटायर्ड जवान निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर का रहने वाला शातिर ठग शत्रुघ्न प्रसाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में जम्मू कश्मीर में तैनात था। आरोपी सीआरपीएफ में नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी करता था। राजनांदगांव के छरिया इलाके में भी शत्रुघ्न ने एक युवक से नौकरी दिलाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए की मांग की। नौकरी के लालच में युवक ने पैसे दे भी दिए, लेकिन कई महीने बाद भी जब नौकरी नहीं मिली और न ही उसके पैसे वापस मिले तो पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में कर दी। पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी ने कई और लोगों से नौकरी का झांसा देकर करीब 30 लाख रुपए की ठगी की है। ओडिशा के बारीपदा जिले से एक टीचर की पिटाई का वीडियो सामने आया है। यहां गांव की महिलाओं ने एक टीचर की जमकर खबर ली। टीचर पर स्कूल के बच्चों से यौन शोषण का आरोप था, जिसके बाद नाराज महिलाओं ने टीचर को बंधक बना लिया और फिर जमकर पीटा। गुजरात के आणंद में मशहूर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इरमा के डायरेक्टर पर यौन शोषण का आरोप लगा है। इंस्टीट्यूट की एक प्रोफेसर के मुताबिक डायरेक्टर आरसी नटराजन आए दिन उन्हें अपने चैम्बर में बुलाकर गलत बातें करते हैं। महिला प्रोफेसर पिछले 5 साल से यहां काम कर रही हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। देश में बिजली उत्पादन बढ़ने से भारत पहली बार बिजली के क्षेत्र में नेट एक्सपोर्टर हो गया है। पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से फरवरी के दौरान बिजली का एक्सपोर्ट बढ़ा है, जिससे कमाई भी बढ़ी है। इस दौरान भारत ने नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान को 5,798 मिलियन यूनिट बिजली का एक्सपोर्ट किया। पिछले 3 साल में नेपाल और बांग्लादेश को होने वाले बिजली एक्सपोर्ट में 2.5 और 2.8 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत ने 80 के दशक से बिजली का एक्सपोर्ट शुरू किया था। सरकार की कोशिश आने वाले दिनों में बिजली एक्सपोर्ट को और बढ़ाने की है। सरकार मेगा पावर पॉलिसी में बदलाव कर सकती है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की अगली बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 20 गीगावाट के कोल और गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट के लिए नई गाइडलाइंस लाने की तैयारी कर रही है।
सूत्रों का ये कहना है कि इन कंपनियों को 5 साल का और समय मिल सकता है। इस दौरान कंपनियों को नए करार करने का वक्त मिलेगा। इस वक्त इन प्रोजेक्ट में 1.5 लाख करोड़ के निवेश फंसे हुए हैं। मौजूदा संसद सत्र की समाप्ति के बाद रेलवे प्रीमियम ट्रेन्स का किराया बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इन ट्रेनों का किराया 10 से लेकर 15% तक बढ़ सकता है। प्रीमियम ट्रेनों में राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी ट्रेनें शामिल हैं। बैंकों के कर्ज यानी एनपीए को लेकर सरकार जल्द नई पॉलिसी का ऐलान करेगी। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लोन रिकवरी के लिए डीआरटी और SARFAESI एक्ट का इस्तेमाल होगा। वित्त मंत्रालय और RBI पॉलिसी को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। नई पॉलिसी में बैंकों को एक तय मात्रा में हेयर कट लेने के फॉर्मूले का ऐलान हो सकता है। सांप को दूध पिलाने की कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन सांप को पानी पिलाने का ये वीडियो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वीडियो कर्नाटक के कईगा इलाके का है। यहाँ 12 फीट लंबे किंग कोबरा को पानी पिलाने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वन विभाग की टीम किस तरह से बोतल से किंग कोबरा को पानी पिला रही है। ये बताया जा रहा है कि कईगा इलाका सूखाग्रस्त है और पानी की तलाश में ये प्यासा कोबरा रिहायशी इलाके में घुस आया था।